अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास है नोकिया का मॉडल। तो इसको हम देखेंगे कि ये डेड हुआ है, तो इसको ऑन करेंगे कैसे। डेड प्रूफ जो मोबाइल है कैसे ऑन करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बैटरी निकालते हैं इसको। इसके जो है पेच लगे हुए हैं ये वाले, ये खोलते हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो जो इस रिपेयरिंग को मोबाइल रिपेयरिंग के मुतल्लिक कुछ कुछ फनी भी अपलोड करते रहते हैं। तो जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि कभी कभी इसकी एलसीडी का फॉल्ट होता है। एलसीडी अगर डेड हो जाए तो तब भी नहीं ऑन होता, तब भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी एलसीडी के जैक को चेक कर लेना है, ये डस्टिंग वगैरह है वो साफ़ कर लेनी है। इसका एलसीडी जैक जो है सीटीसी से वो साफ़ कर लेना है इसको, ऐसे अच्छी तरह क्लीन इसको करने के बाद आपने इसकी जो है बैटरी, इसके बैटरी के पॉइंट वगैरह वो चेक कर देने हैं, इनके ऊपर डस्टिंग ना आई हो। टर्मिनल चेक करना है आपने, ये वाला टर्मिनल, ये देखिए टर्मिनल इसका, ये शॉर्टेज की वजह से या किसी वजह से ये शॉर्ट हुआ है, ये डैमेज हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करके हम मैं आपको बताऊंगा कि इसको हीट गन के बगैर कैसे इसको लगाते हैं, क्योंकि अक्सर फ्रेंड्स के पास हीट गन मुहैया नहीं होती उसके उनके पास। तो इसको काविये के साथ ही हम इसको लगाएंगे। आपने इसको सारे को नहीं उतारने की कोशिश करनी, क्योंकि ये इसके पॉइंट जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं सारा उतारने की कोशिश करते करते। इस वजह से हम इसको ना एहतियात से इसको थोड़ा थोड़ा करके कैंची की मदद से इसको उतारेंगे। अब जब ये अलग हो गया है तो हम इसको कावी और सोल्ड की मदद से इसको उतारेंगे, ताकि सोल्ड होने के बाद ये नरम हो जाए तो ये आसानी से उतर जाता है। तो आपने भी ऐसा ही करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई और मसला हो, कोई और प्रॉब्लम हो मोबाइल के मुतलका, ये कुछ कोई कोई और प्रॉब्लम हो तो आप
हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आंसर आपको ज़रूर करेंगे। तो ये देखें, हमने निकाल लिया इसको, अब सीटीसी की मदद से इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि इसके पॉइंट्स जो हैं अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। नया टर्मिनल लेंगे हम, इसको नए टर्मिनल को आपने ऐसे ही इसके मुताबिक पूरा पूरा रख लेना है। ये जो जैक्स टर्मिनल जैक है, इसको पॉइंट के ऊपर रख के थोड़ा सा सोल्ड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह सोल्ड कर लेना है, तीनों पॉइंट्स को जो उसकी बैक पे हैं। सोल्ड करने के बाद आपने जो आगे वाले पॉइंट हैं इसके, ये ग्राउंड के होते हैं, इनको सोल्ड कर लेना। इससे इसकी मजबूती भी हो जाती है और इसके नेगेटिव जो करंट है वो भी मिल जाता है। तो अब ये टर्मिनल लग गया है इसका, इसको हम उसको पावर दे के ऑन करके देखेंगे। बैटरी से ये देखें, ये अब ऑन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसको डेड जो अप्रूवल है, डेड मोबाइल है इसकी, वो कर सकते हैं। अच्छा, वो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वाटर डैमेज जो मोबाइल होते हैं उसमें पानी डल जाता है, तो उसको सिर्फ उसको सीटीसी से आईसी को वगैरह को सभी को साफ़ करके आपने अच्छी तरह साफ़ करके इसको थोड़ा सा हीट एयर गन से आपने इसको हीट दे के इसको सुखा लेना है। उसके बाद ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाता है। इसके बाद ये इसका जो पावर का बटन है उसका भी इशू हो जाता है, तो उसको भी चेक कर लेना है अगर ऑन ना हो रहा हो टर्मिनल लगाने के बगैर बाद भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये ऑन हो गया है। तो ऐसे ही हम इसको डेड अप्रूवल है जो इसको ऑन कर सकते हैं। ये देखिए बिलाल भाई, ये ऑन हो गया है मोबाइल, वर्किंग कर रहा है।
क्या बात है यार, क्या तो बात है। अब ये तो इस बड़ा इजी सा हल बता दिया हाँ आपने। जी, तो इसे ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल जी भूलिएगा, बिल्कुल। क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल जो ग्रोथ करेगा, सपोर्ट आपकी सपोर्ट से ही हमें मदद मिलती है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।